गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको सात इंडोर प्लांट्स के बारे में दिखाना और बताना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरा इंडोर प्लांट में सबसे बढ़िया सबसे पहला नंबर आता है मनी प्लांट का। ये देखिए मेरा मनी प्लांट है, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्तियाँ, इसको मैंने ये देखिए बॉटल में पानी में लगाया। इसके रूट्स देख लीजिए, कितनी बढ़िया रूट्स निकली। इसको मैंने अपने कमरे में रख रखा है। ये जो है इसको देख के बहुत ही सुकून मिलता है और लगता है जैसे कुछ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में, और यह देखने में भी अच्छा लगता है। इससे ऑक्सीजन बहुत बढ़िया बनती है। नंबर दो पे आता है ये मेरा एलोवेरा। एलोवेरा के महत्व को तो बताने लगभग हर कोई जानता है, उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है एलोवेरा का कितना महत्व है। एलोवेरा तमाम औषधीय गुणों से भरपूर, आंतरिक शरीर के आंतरिक अंगों के लिए भी और स्किन के लिए भी ये कितना अच्छा पौधा है। इसमें भी ये भी ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा पौधा है। ये ऑक्सीजन इंक्रीज करता है और इसको बस कुछ नहीं, एक साधारण सी मिट्टी में आप मन करे तो थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दीजिए, ना मन करे तो ना मिलाइए कहीं भी, बस खाली। और इसको कभी कभार पानी हफ्ते में एक बार मिलता रहे और ये बढ़ता रहता है। देखिए एक मैंने डिब्बे में लगा रखा है और देखिए कितना बढ़िया पेड़ है। नंबर तीन पे आता है ये स्पाइडर प्लांट। इसको मैंने एक छोटे से बाउल में लगा रखा है, ये देखिए स्पाइडर प्लांट। अभी हमने नया नया लगाया है, अभी इसमें बेबी प्लांट नहीं निकले हैं, फिर भी ये एक था और कई बन गए हैं। ये देखिए झुरमुट सा बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको आप लगाइए बहुत ही कम केयर में, बस मिट्टी थोड़ी, इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना बहुत देखभाल की, ये भी अपनी ग्रोथ करता रहता है। नंबर चार ये है फैन पाम। अब इसको हम फैन पाम ही जानते हैं, इसको भी ये और स्पाइडर प्लांट मैंने एक साथ ही लगाया था, लेकिन इसमें देखिए नया पत्ता भी निकल आया है। ये पुराने पत्ते, ये पाम का पौधा भी बहुत ज़्यादा कोई केयर नहीं मांगता, इसको एक बार लगा दीजिए स्पाइडर प्लांट की तरह, इसकी भी मिट्टी हल्की मॉइस्चर बना रहे और बस पानी हफ्ते में एक बार इसमें भी डालती हूँ। नंबर पाँच ये है मेरा जेड प्लांट, इसको भी मैंने अभी हाल ही में लगाया है। जेड प्लांट भी देखिए, इसमें से मैंने छोटा छोटा तोड़ के देखिए किनारे किनारे लगा रखा है हमने। ये देखिए ये भी बड़े हो रहे हैं, इसके पत्ते देखिए कितनी चमक है इन पत्तों में। इसकी भी कोई खास केयर की एक बार लगा दीजिए, हफ्ते में एक बार पानी देते रहिए और इसकी भी कोई ज़रूरत खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। नंबर छः है ये आपका स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के बारे में भी हर कोई परिचित है। स्नेक प्लांट तो बहुत ही अच्छे, अपने जितनी भी दूषित हवाओं को अपने में शोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। ये भी पौधा बहुत ही अच्छा इजी ग्रो है, इसको भी उसी तरह से बस खाली हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए। और इसको धूप बिल्कुल नहीं पसंद है, जितना ही
सेमी शेड में रहे, थोड़ी हल्की धूप कभी कभी मिल जाती है तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। जब मैं लाई थी तो इसमें केवल 3 पत्तियां थी, अब देखिए 6 पत्तियां हो गई और 2 पत्तियां पुरानी मैंने काट दिया है। ये देखिए, ये भी साधारण सी मिट्टी में ग्रो करने वाला, वैसे भी जाड़े में पौधे कम ग्रोथ करते हैं लेकिन फिर भी मेरे सारे पौधे अच्छे ही चल रहे हैं। नंबर 7 ये है डिफेनवेकिया, ये भी देखिए इसके पत्ते अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी नया पौधा मैंने लगाया है, फिर भी देखिए इसमें ये इसकी स्टेम बन रही है। ये देखिए स्टेम से ये नया हुआ, ये देखिए निकल रहा है नया पत्ता। अब स्टेम जब बड़ी, ये पौधा जब बड़ा, जाड़े में वैसे भी कोई भी पेड़ पौधों की ग्रोथ कम होती है, ये जब बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें बल्ब हैं देखिए नीचे, ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, ये निकलेगा लेकिन ये कि अभी जाड़े में इसकी ग्रोथ। ये भी उसी तरह से साधारण सी मिट्टी में लगने वाला, लेकिन इसका जो है थोड़ा ये पॉइजनस होता है, बच्चों बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए, इसको जो है बच्चे इसके संपर्क में ना आए। इसका जो इसमें पत्तियाँ या स्टेम टूटने पे तरल पदार्थ निकलता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, इसको बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए। वैसे ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, देखिए कितना अच्छा। दोस्तों ये रहे मेरे 7 इंडोर प्लांट्स, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद, नमस्कार।